अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है? तो वैसे ठीक है आप सबके? अच्छा, आपको मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ कि आप लोगों ने गूगल ड्राइव से ये लिंक कैसे ओपन करनी है और कैसे डाउनलोड करने सॉफ्टवेयर। वैसे गेट इनटू पीसी पे जाओगे ना, वहाँ पे एडोब फोटोशॉप 2020 लिखोगे तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर वहाँ पे भी आ जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और एडोब इलस्ट्रेटर भी 20 आप वहाँ पर लिखोगे CC20 वर्जन 24.3.0, ये वर्जन है इसका, और आपने ये डाउनलोड करना है, ठीक है, जो मैंने बताया है 2020। और हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्लिक करेंगे लिंक पे। ये मैंने एडोब इलस्ट्रेटर के लिंक पे क्लिक किया। यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, एक कहेंगे ओपन विथ क्रोम और एक कहेगा ड्राइव। और कुछ लोगों का क्रोम का डायरेक्ट आएगा ऑप्शन, किसी का डायरेक्ट या ड्राइव पे ओपन होगा, क्योंकि ऑलवेज पे जिसने किया हुआ है तो वो फिर जिस तरह भी लिंक पे क्लिक करते ना, वो या तो क्रोम पे ओपन होती है, CCR ड्राइव पे, मेरी दोनों चीज़ों पे ओपन होती है। आप अगर पहले हम क्रोम पे कर लेते हैं कि कैसे डाउनलोड करेंगे, क्रोम पे ये लिंक ओपन होते हैं। क्रोम पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा आप हमारी तरफ मोबाइल में। आपने इसको क्या करना है, इस 3 डॉट पे क्लिक करना है। ये डिटेल है इसकी, ये कौन सा है। उसके बाद आपने ये एरो का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, अपने इस एरो के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। इस एरो के ऑप्शन पे क्लिक करोगे और उसके बाद अगेन हम क्रोम पे करते हैं, ये ऑप्शन आ जाएगा। जब क्रोम पे अगेन करोगे तो ये डाउनलोड एनीवे आ जाएगा, ठीक है। आपने डाउनलोड एनीवे पे क्लिक कर देना है, ये आपकी फ़ाइल डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएगी। ये देखेंगे, ये डिटेल में आप जाएंगे ना जब डाउनलोड में, तो ये हमारी ये हो गया स्टार्ट डाउनलोड होना, ठीक है। इस तरह आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, और इसको डाउनलोड करके आपने इस फाइल को आपने अपने पीसी में या लैपटॉप में मूव कर लेना या कॉपी कर लेना डेटा कॉपी के जरिए। और अगर देखना हो कहाँ से डाउनलोड हो रही है, 3 डॉट पे क्लिक कीजिए और डाउनलोड्स में देखिए, यहाँ पे आपको डाउनलोडिंग नज़र आ जाएगी। अच्छा, एक तो ये इसका प्रोसीजर डाउनलोड करने का, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा भी मैं आपको बता देता हूँ जो डायरेक्ट डाउनलोड करते होते हैं हम। अब हम इसको देखते हैं कि ड्राइव पे कैसे ओपन करते हैं। तो ड्राइव पे कैसे ओपन करना है, इस लिंक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम ड्राइव पे जाएंगे। ये अब दो अकाउंट है मेरे, तो मैं ये पहले अकाउंट से तो मैंने अपलोड किया हुआ ना, तो दूसरे अकाउंट से हम इसको देखते हैं, क्योंकि आप लोगों का सबका अकाउंट डिफरेंट होगा ना, तो इसलिए भी इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपने 3 डॉट पर क्लिक करना है सिंपल, और डाउनलोड पर क्लिक कर देना है जस्ट। फिर आपने बैक आ जाना है और आप देखोगे आपके ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद हैं, तो इसलिए मैं इनको कैंसिल कर रहा हूँ। वैसे क्रोम से करोगे ना वो ज़्यादा बेहतर है, ड्राइव के बजाय क्रोम से आप डाउनलोड कीजिएगा। वहाँ से एक तो फास्ट होगा डाउनलोड और एक ईजिली हो जाएगा। अगर आप भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा, कोई मसला नहीं, इनबॉक्स कर लीजिएगा मुझे, तो मैं आप सबको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।